हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 8। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आपके सामने लेके आया हूं मैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या फाइंड करना है, तो यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P under bracket 2, -3 and Q under bracket 10 minus y is 10 units। ये दिया हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया है उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा मैं कि यहाँ पर P जो दिया हुआ है 2, -3 दिया है, और Q यहाँ पर दिया है 10, -y दिया है। और ये क्या है, ये 10 क्या है, ये 10 दोस्तों डिस्टेंस है। किसकी डिस्टेंस, ये P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया है, यहाँ पर 10 दे दिया गया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको Y फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं PQ इक्वल टू, यहाँ पर रूट के अंदर मैं लिखूंगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों PQ का वैल्यू क्या दिया है, PQ का वैल्यू 10 दिया है, तो यहाँ पर मैं 10 लिखूंगा। और यहाँ पर x2 x1 कहाँ से मिलेगा मुझे, यहाँ से मिलेगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से निकालना सिखाता हूँ। यहाँ पर x1, यहाँ पर y1, यहाँ पर x2, यहाँ पर y2, क्योंकि पहले p दिया है तो p के अंदर x1 y1 होगा। q देखिए बाद में दिया है, तो मतलब q क्या होगा, x2 y2 होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे हम लोग। x2 का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया, तो यहाँ पर 10 लिखूंगा। उसके बाद x1 क्या दिया है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा होल स्क्वायर। यहाँ पर y2 क्या है, देखिए यहाँ पर y है, तो यहाँ पर y लिखूंगा मैं। y1 क्या है, -3 दिया है, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यहाँ पर 3 लिखूंगा, यहाँ पर होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर रूट दिया है। अगर ये रूट इस तरफ आ जाएगा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर होगा 10 का स्क्वायर, जिससे दोस्तों ये रूट हट जाएगा। तो 10 - 2 कितना होगा, 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर यहां पर। और y+3 का होल स्क्वायर मतलब a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना होगा, तो यहां पर यूज करूंगा मैं a² + 2ab + b², तो यहां पर y की जगह पर यहां पर y लिखूंगा, यहां पर 3 लिखूंगा, यहां पर 3 और यहां पर y। अब सॉल्व करना होगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, तो यहां पर मैं 100 लिखूंगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 × 8 = 64, यहां पर y² + 2 × 3 = 6y, और यहां पर 3 × 3 = 9, इतना मैंने लिख लिया मैंने। अब देखोगे तो यहां पर 100 = 64 + 9 कितना होगा, 73 होगा, तो यहां पर 73 लिखूंगा, प्लस y² + 6y। उसके बाद y² + 6y + 73 इस 100 को इधर लेके आऊंगा, तो -100 हो जाएगा इक्वल टू यहां पर 0। अब y² + 6y + -, बड़े साइन माइनस की, यहां पर 73 + 7 करो कितना होगा, आपका 80 होगा, और उधर 20 + 7 = 27, तो यहां पर 27 लिखूंगा। देखिए कोई अलग टाइप से दोस्तों माइनस कर सकते हो यहां पर, ठीक है। मैंने क्या किया, 73 में राउंड ऑफ कर लिया, तो 73 + 7 = 80 होता है, राइट। और 80 + 20 कितना होगा, 100 होगा, तो 20 और यहां पर 7 = 27, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों ये जो इक्वेशन आया है इसको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालना होगा। तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूं यहां पर कि भाई y² और क्या दिया है, +6y + 6y - 27 = 0। अब स्प्लिट कैसा करना होगा, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना होगा, तो 27 × 1 = 27, तो यहां पर 27 आएगा। साइन की जरूरत यहां पर नहीं है। मिडिल टर्म में अलोंग विद साइन, मिडिल टर्म में साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब 27 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका प्लस माइनस करने पर 6 आ जाए, तो यहां पर मैं लिखूंगा 9 × 3, तो 9 × 3 = 27। अगर 9 - 3 करूंगा तो मुझे 6 मिल जाएगा, तो यहां पर लिखूंगा 9 × 3 = 27, बड़े को प्लस छोटे को माइनस, जिससे मुझे प्लस 6 मुझे इजीली मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर y² + 9y - 3y - 27 = 0। अब देखिए तीन टर्म अब चार टर्म में बदल गया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, चार टर्म है तो दो दो टर्म में क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर मैं कॉमन निकालने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए यहां पर।
तो इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो y कॉमन निकलेगा, यहाँ पर y प्लस यहाँ पर 9 लिखूंगा और यहाँ पर माइनस, और देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 कॉमन होगा, यहाँ पर y बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 3 9 27 = 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो y प्लस 9 यहाँ पे लिखूंगा मैं एक बार, और यहाँ पर y माइनस 3 लिख लिया मैंने इक्वल टू 0। इसके बाद दोस्तों y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड मत लिखिए और लिखिए, और y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या होगा यहाँ पर y इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर y इक्वल टू माइनस 9 और यहाँ पर y इक्वल टू प्लस 3। दोस्तों y की वैल्यू माइनस 9 भी हो सकती है और y की वैल्यू प्लस 3 भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं और लिखा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा इसी तरह से दोस्तों प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, इसी तरह से आपके लिए वीडियो नया लाते रहूंगा, बस इतना काम करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, इससे हर एक वीडियो आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।